हम लोगों का मांग है कि काला कानून वापस ले सका, नौकरी की सीमा का कि चार साल में आकर के काम पर घूमे, ये सब नौटंकी हो रहा है, देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम मुंशी बनकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। यह सरकार पूर्णतः विफल है हर मोर्चे, वो खुद देशद्रोही हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ और इस वक्त हम मौजूद हैं राज्यपाल भवन के पास। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ स्कीम लाई है, लगातार उसका विरोध हो रहा है। ऐसे में महागठबंधन की पार्टी आज RJD, CPI, माले के तमाम लोग आज विधानसभा से राज्यपाल भवन पहुँचे हैं। मेरे साथ RJD के विधायक है दिनारा विधानसभा से विजय मंडल जी, आइए हम उनसे बातें करते हैं। सर, आप लोग आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का मांग है कि काला कानून वापस ले सरकार, नौजवानों को रोजगार दे, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और यह जो काला कानून है इससे राष्ट्र को बहुत नुकसान है। हमारे सैनिक इस कानून से हतोत्साहित होंगे, सैनिकों का मन बढ़ाने की आवश्यकता है और अभी के परिवेश में इस कानून को वापस लेना चाहिए। जैसे मतलब केंद्र सरकार का कहना है कि चार साल युवा नौकरी करेंगे, उसके बाद 11 लाख रुपया उनको मिलेगा, उस पैसे से वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री भी इसी पैटर्न को लागू करते? वो एक बार मुख्य प्रधानमंत्री बन गए, छोड़ देते दूसरे को, क्यों फिर पुनः बन रहे हैं? पहली बार ही हो रहा है कि चार साल के नौकरी हो, नौकरी की एक सीमा होती है, उस सीमा के तहत ना नौकरी आदमी करेगा कि चार साल में आकर के गांव पर घूमेगा। उसके बाद ये भी कहना है कि जो युवा 75% निकलेंगे, 25% युवाओं को उसमें जॉब दिया जाएगा और 75% युवा जो निकलेंगे उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा सशस्त्र सेना बल में। ये सब नौटंकी हो रहा है, देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इसको सुधारने की आवश्यकता है और इस परिवेश में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल को स्मारक पत्र दे रहे हैं कि देश में इस कानून को वापस लिया जाए। और अभी जो स्थिति है बिहार की, बिहार में जंगल राज कायम है, अराजकता वर्तमान है, प्रखंड से लेकर के जिला तक भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को मिटाने का एकमात्र रास्ता तेजस्वी यादव हैं। बिहार के लोग तेजस्वी यादव की ओर देख रहे हैं कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव बनेंगे तो बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों में खुशहाली आएगी। और अभी जो स्थिति है, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं इनके नेतृत्व में बिहार पीछे जा रहा है, ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं और जितने बिहार में काम हो रहा है वो गुजरात और महाराष्ट्र के लोग कर रहे हैं। हमारे लोग ईंटा ढो रहे हैं, सीमेंट गिन रहे हैं, हम मुंशी के लिए हैं, हम मुंशी बन करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं कि हमारा हक है, वो हक हमको मिलना चाहिए। यह सरकार पूर्णतः विफल है हर मोर्चे पर, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को हटना चाहिए और नया नेतृत्व आना चाहिए। जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, BJP के नेता हैं गिरिराज सिंह, उनका कहना है कि ये सब RJD की तरफ से करवाया जा रहा है। वो खुद देशद्रोही हैं, देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, देश में दुर्भावना फैलाना चाहते हैं, आपसी भाईचारा को नष्ट करना चाहते हैं, उनको तत्काल प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। मतलब जिस तरह से युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, दर्जनों ट्रेनों के आग के हवाले किया गया, ये कहाँ तक सही है? सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं, नहीं विरोध होना चाहिए, हम राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति का नुकसान का हम विरोध करते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि सरकारी संपत्ति का विरोध हो, लेकिन यह कानून जो है उस कानून का विरोध होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों ने विधानसभा मार्च किया, विधानसभा से आप लोग राज्यपाल भवन पहुँचे, क्या लगता है कि महागठबंधन के ये राज्यपाल भवन पहुँचने से ये केंद्र सरकारी स्कीम वापस लेगी? हम उनसे मांग करते हैं वापस लेना, केंद्र सरकार का कर्तव्य दायित्व है, वो लेता है कि नहीं लेता है उस पर निर्भर है, हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। चलिए ठीक है, तभी आपने सुना ये दिनारा विधानसभा के विधायक थे, इनका नाम विजय मंडल, इनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने जो स्कीम लाई है वो स्कीम कहीं से सही नहीं, युवाओं को बस सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है और काला कानून है और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा लगातार हम लोग इसी तरह सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।